और हमारे दूसरे सम्माननीय अतिथिगण आदरणीय श्री प्रहलाद सिंह, बहुत बहुत खुशकिस्मत है कि आप सबका सामने साक्षात्कार हम कर रहे हैं और आप सबको सुनेंगे, आपके उद्बोधन को सुनेंगे और अपने मनोबल को तालियां होनी चाहिए। मैं इस विषय पर सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम सबको ग्रामीण परिवेश से कुछ सांस्कृतिक विरासतों की पहचान के साथ आज इस यात्रा को यहाँ तक हम पहुँचाने में सफल हुए हैं और इसलिए मैं मानता हूँ कि समय काल परिस्थिति के आधार पर जो सांस्कृतिक पहचान है वो पहचान वस्त्र के आधार पर देश के हर कोने पर होती है। मुझे भी लगभग देश को घूमने का अवसर मिला है और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच में काम करने का मुझे मौका मिला है। ये सच्चाई है कि कारीगरों की कुशलता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं हो सकता, लेकिन जो वातावरण बीच में निर्मित किया गया उस वातावरण ने बिचौलियों को ताकत दी और उस कला और उस मेहनत को निश्चित रूप से नजरअंदाज किया गया। फिर मैं 99 में कार्यक्रम चंद्र जब एन वाई केस बना, मैं अरण्य धर्मेंद्र जी को ये बात कह रहा था कि उस समय दिल्ली हाट में देशभर के इन कारीगरों को लेकर आते थे सरकार के खर्चे से और उनको एक बार वो प्लेटफॉर्म मिलता था। उसके पीछे उद्देश्य कुल इतना ही था कि जो लोग पढ़े लिखे भले ना हो, बहुत मूर्धन्य नामचीन ना हो, जिनके पास में कोई संस्थागत व्यवस्थाएं नहीं है, ऐसे दूर दराज गांव के अंचलों में बैठे हुए कारीगर को या दिल्ली का मंच कभी मिल सकता है। और ये नेहरू के अनुसंधान का ध्येय वाक्य था हम लोगों कि जो स्कूल और कॉलेज में नहीं पहुंच पाया लेकिन ईश्वर की दी हुई कला उसके पास है तो एक बार जीवन में उसको मंच जरूर मिलना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से उन बुनकरों की, उन कारीगरों की, खादी की तो मान्यता देते हुए जिस प्रकार से वो खुद ब्रांडेड बने, एक अवसर है कि हम अपनी पहचान को फिर से उसी ताकत के साथ देश और दुनिया के सामने रख सकते हैं। आप उत्तर पूर्व में जाइए, वस्त्र से उस कम्युनिटी की पहचान हो जाएगी, उस पहनावे से ये साबित हो जाएगा कि ये कौन है। वैसे आप उसे नहीं पहचान सकते, पहचान बड़ी समस्या है। मैं संस्कृति मंत्री हूँ, कल्चरल मैपिंग की बात चलती थी लेकिन वो मुकाम तक नहीं पहुँच पाए। वो जो कल्चरल मैपिंग है उसी बात की है कि चाहे वो कारीगर हो, चाहे वो कला और संस्कृति या गान या नृत्य से जुड़ा हो, क्या हम उनकी पहचान कर सकते हैं जो चार चार पांच पांच पीढ़ियों से अपने उसी राग को लेकर जी रहे हैं लेकिन वास्तव में उनको कोई मंच नहीं मिला। इस पहचान के आप बेहतर मंच बने, इस शुभकामना के साथ मैं फिर से सरोजी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। लोकल और उसको ग्लोबल बनाने के लिए एक जन अभियान शुरू किया है, कोई नई बात नहीं है। पुरानी दिनों से इस विषय को हम सभी ने आग्रह के साथ बढ़ाया है लेकिन धीरे धीरे जैसे ये मोमबत्ती रखा गया, थोड़ा सरोज दीदी संतोष कर रही थी इसको थोड़ा ठीक से बनाने, लेकिन मैं सोच रहा था इससे और ठीक और क्या बन सकता है। और इसको अब हम यूरोप ले जाएंगे, 400-500 रुपया खर्चा हुई होगी, अरे 7-8 डॉलर। और इसी को हम यूरोप में या अमेरिका में कहीं बाजार फिर से पैकिंग करके ले जाए तो शायद ये 100 डॉलर में बिक्री हो हमारे बीच में। हम सभी के अत्यंत श्रद्धा के गडकरी साहब और मैं आप सभी की ओर से गडकरी साहब का भी स्वागत करता हूँ। ये जो व्यायाम लगी है यही व्यायाम आगे चर्चा विदेश जाएगा,
विदेश आएगा इस यार के खर्चे की कम से कम 20 गुना ज्यादा दाम पे बिक्री हो सकता है। ये हमारी कला संस्कृति। भाई साहब ऑर्गेनाइजर आप हो और आप ही हैं। मैं किसी के वहां गया था, उन्होंने कहा कि देखिए भारत की एक घर में क्या क्या है यार, उन्होंने हमको गिना है। कोई कलाकार, सामान्य कलाकार, आदिवासी इलाका में मेरे को समझाया कि एक गरीब आदिवासी के घर में वो बुनकर भी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से संपर्क है उसकी, उनकी वहां ट्राइबल गाना होती है उसी घर में, बुनकर भी है, संगीत भी गाता है, ट्राइबल संगीत गाता है, तो हो गया वो कल्चर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी। फिर उसमें से उन्हीं के घर में कुछ लकड़ी या पत्थर की भी कुछ कारीगरी है, वो फिर हैंडीक्राफ्ट में आ गया, एक हैंडलूम में आया, एक हैंडीक्राफ्ट में आया और एक संस्कृति में आया। ये सारे को मिला देते पूरी जिम्मेदार, ये तीन चीजों को दिखने के लिए दुनिया के लोग आ भी सकते हैं हमारे वहां। लेकिन वो चार तीन मिनिस्ट्री में बंटा हुआ है, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक मिनिस्ट्री, दो विभाग अलग अलग, उसकी गाना एक, कल्चर अलग, और इस सारे को बनाने के लिए पूरी जिम। लेकिन हमारे घरों में शायद भारत में ऐसे कोई गांव नहीं रहेगा जिस गांव में इस प्रकार के 20-25 घर नहीं मिलेंगे। कोई लकड़ी का काम करता है, कोई लोहा का काम करता है, कोई बुनकर है, कोई कुछ। ये जो हमने देखा मधुबनी पेंटिंग और उड़ीसा की पटचित्र, मेरे घर में भी मैंने उड़ीसा की पटचित्र लगाया, अभी तक कोई अतिथि मेरे घर में नहीं आया ऐसा नहीं है जिन्होंने 5 मिनट उस पटचित्र को नहीं देखा होगा। खड़ा होकर तो उसको दिखता है कितने सूक्ष्म काम, और सब वाटर कलर में, सिल्क के कपड़े के ऊपर वेजिटेबल वाटर कलर का है, जो वेजिटेबल कलर में ये सब पेंटिंग हुई और सालों तक रहती है, ये हमारी संपन्नता की। लेकिन देश की ऐसे अनेक जगह है, आप जहां जहां से आए हैं इतना विख्यात हो उसको देखने के लिए दुनिया वहां पहुंचे। ऐसे कुछ मेला भी आप कला भारत भारत के अंदर ले जाइए, घूमने के लिए ना जाए, ऐसे चीजों को देखने के लिए जाए, तब जाके हमारे देश की अर्थनीति और हमारे देश की पहचान बाहर जाएगी। तो फिर यह हमारे जो पहल को, खादी मंत्र पहल को साधुवाद देता हूं और कला भारत के इस उद्यम को समर्थन करके मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। अब हमारा इंतजार है हमारे यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी का, वो आ ही रहे होंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करूंगी, हमारे आसाम की कारीगर हैं जो आई हुई है गुवाहाटी के पास से, आप फूल लेके आइए। कविता गोस्वामी, ये आपका मौका मेरे को बोली देखिए। नितिन गडकरी जी से कि हमारे कला भारत के लोगों का अनावरण करें। और आदरणीय सरोज पांडे जी और उपस्थित सभी, सबसे पहले मैं सरोज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं दूंगा, क्योंकि हमारे देश में जो हमारे देश के विकास के मापदंड है उसमें एक जीडीपी ग्रोथ करके चर्चा बार बार होती है, सकल उत्पादन। तो जीडीपी ग्रोथ में हमारा जो उत्पादन है उसमें से करीब 12 से 14% एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज से आता है,
बाईस से 24 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है और 52 से 54% जो होता है वो सर्विस सेक्टर से आता है। पर इसकी सबकी जो चर्चा होती है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर कोई है तो हमारे देश में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज का जो टर्नओवर है वो 88,000 करोड़ है, 88,000 करोड़। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके कारण गांव में छोटे छोटे लोगों को, कारागिरों को रोजगार मिला है। इसमें 80,000 करोड़ जो है वो खादी ग्रामोद्योग का है और विशेष रूप से जो विलेज इंडस्ट्री की जो बारे में जो बातें होती है उसमें काफ़ी कुछ काम करने की आवश्यकता है। और जो हमारे एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट से 115 जो सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है और एग्रीकल्चर रूरल और ट्राइबल, ट्राइबल में फॉरेस्ट से कर जाता है, वहाँ पर कैपिटल इनकम बहुत कम है और इसीलिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है विकास विकास के हमारे इस प्रक्रिया में बहुत निग्लिजिबल है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि ग्रामीण भारत को, कृषि भारत को और जो जंगलों में बसे हुए हमारे वनवासी बंधु है, 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की इकोनॉमी को, ग्रोथ को बढ़ाना होगा। और इसीलिए आज मुझे खुशी हुई है कि सरोज जी ने इस कार्य को हाथ लग लिया है। अभी आप जो मधुबनी पेंटिंग अभी देखा आपने और ये जो बनारस की सिल्क है, हमारे यहाँ आपके महिलाओं के जूते चप्पल इसकी बनाई है और उसको बहुत अच्छा मार्केट मिला है। अभी हमने जो गाय का गोबर है उससे पेंट बना है और ऑयल पेंट भी बना है और उसके साथ साथ डिस्टेंपर भी बना है और मैंने खुद अपने घर के कॉन्फ्रेंस रूम में ये पेंट लगाया है और ये इतना अच्छा है कि एक गाय अगर कम से कम 15 से 25 किलो तक गोबर देती है तो 5 रुपए किलो से गोबर खरीदा किया जा सकता है और उसमें से करीब 125 रुपए केवल एक गाय के पीछे गोबर के पैसे मिलेंगे और जो गाय की यूरिन गोमूत्र जिसको कहते हैं वो भी 10 रुपए लीटर से जाएगा। और अब तो एक गाय के कारण अगर इतना पैसा मिलेगा तो कम शहर में नौकरी मांगने के लिए आएगा। तो आज हमारी 300 इंडस्ट्रीज केवल हमने घोषित करने के बाद रजिस्टर हुई है, अब जयपुर में इसका ट्रेनिंग शुरू है, ओवर फुल हो गया है, हाउसफुल जैसा हो गया है कि अभी हम दे नहीं पा रहे और हमारा प्रयास है कि हर गांव में एक पेंट इंडस्ट्री शुरू हो। और ये अगर इसी प्रकार की इकोनॉमी अगर गांव की अच्छी हुई तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश गरीब रहेगा। जो अभी टॉयज बनाते हैं लकड़ी की या बाकी चीज़ें बनाते हैं इसमें सबसे हमारी कमियाँ क्या है ये सरोज जी पहले हमें समझने की आवश्यकता है। हमारे विदेशों में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है प्रोडक्ट डिजाइनिंग, ब्रांडिंग और डिजाइनिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज ही मैंने, मुझे लगता आप में से कुछ पहने आई थी तो मैंने कुछ साड़ी अच्छी थी, अच्छा इन्होंने पहना ही है वही साड़ी। अब ये जो साड़ी है ये चरखे पर सूत निकाला है और इसके ऑर्गेनिक कलर है पूरे। और अभी कुछ साड़ियां ऐसी कि इसका जो प्रिंटिंग है जो पत्ती निकलती है उस पर किया है तो ये साड़ी इतनी अच्छी है कि आज मेरे यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स के जो मालिक है शोभा वर्ती है रिहाई के भोजन के लिए, मैंने वो साड़ी उनको एक वहाँ के कारागिरों में इतनी पसंद है उनको कि आज इस प्रकार की कला जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और मॉडर्न कंसेप्ट में उसको तैयार करें। अभी अमेरिका में एक लिवाइस करके कंपनी है जो जीप बनाती है तो हम जो खादी डेनिम बनाते हैं वो पूरा एक्सपोर्ट हो रहा है और इसलिए सोलर चरखा ये सबसे अच्छी बात है कि जिसमें एक महिला अपने घर पे ऊपर पे सोलर पैनल लगा के दो चरखे लगाते हैं वो कम से कम 15 से 20 हजार रुपये लगा के बनाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी आप मुझे यहाँ मिले तो मैंने हमारे खादी ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष हैं उनको आज ही एक कहा कि पत्र आपकी तरफ सबके तरफ भेजने वाले हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनको दो दो सोलर चरखे और हम हनी इकट्ठा करते हैं
और हनी जो होता है वो इतना अच्छा है हमारा कि अभी काफी विवाद चला पर हमारे खाद्य ग्रामों के ऊपर हनी अच्छा है, तो हनी क्लस्टर हम बना रहे हैं और वो हनी जो है इतना सुंदर है, इतनी डिमांड है कि जो हाई एल्टीट्यूड का हनी जो है जो उत्तराखंड में और कश्मीर में है तो वो 6000 रुपये किलो के भाव से अमेजोन के साइट पर है। तो ये स्वाभाविक रूप से अलग अलग प्रकार का हनी है, तो निश्चित रूप से लिए पेटियां देते हैं हम लोग गरीबों को खादी ग्राम उद्योग कमीशन की ओर से। तो मैंने उनको कहा कि हम हमारे तरफ से सरकार की ओर से देते हैं, पर ये हनी इकट्ठा करने के लिए जो पेटियां देते हैं वो पेटियां या सोलर चक्की की योजना बनाकर CSR से भी काफी गरीबों को बांटे ताकि वो अपने यहाँ यशस्वी मिल जाए। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है, आज समय भी नहीं है, पर मैं सरोज जी को कहूंगा कि पहले इन कारागिरों का अच्छा ही बनाते हैं, पर इसको जो है इसमें विशेष रूप से और अच्छा इसका डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, पैकेजिंग एंड डिलीवरी ऑन टाइम बहुत जरूरी है। ये तीन बातें एक्सपोर्ट में बहुत आवश्यक होती है और ये अगर नहीं होगी तो मार्केट में हम माल नहीं बेच सकते। तो इस पर बहुत कुछ करने लायक है और मैंने ये तय किया कि इस विभाग का मंत्री होने के नाते हमारा टर्नओवर 88,000 करोड़ है, वो अब 2 साल में हम लोग 5,00,000 करोड़ में कर रहे हैं। और हर गांव समृद्ध बने, संपन्न बने और गांव के लड़कों को गांव में ही रोजगार मिले, गांव की महिलाओं को गांव में ही रोजगार मिले। और इसलिए टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत विकसित हुई है और टेक्नोलॉजी और हमारी कला, देखिए बहुत से बार हम लोग विरोध करते हैं मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, दो शब्द अलग है। मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फर्नीचर जैसे बनता है लकड़ी का। आज हमारे देश में IKEA आई स्वीडन से, तो हैदराबाद में उनके मॉल में 3 दिन तक लोग बैठे, इतनी गर्मी थी। आज हमारा बांबू हमने लगाने का बांबू मिशन का काम लिया है, काफी बड़े पैमाने पर भीमा बांबू लगा है। अब बांबू का फर्नीचर सबसे अच्छी बात अगर आपको देखनी होगी तो आप ताज मानसिंह होटल में जाएंगे और वहाँ एक रेस्टोरेंट है पहले फ्लोर पर, उसका पूरा इंटीरियर बांबू का किया हुआ है, आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसा काम है। अब बंगलोर का नया एयरपोर्ट है मचान करके उस रेस्टोरेंट का नाम है, अब बंगलोर एयरपोर्ट पर नया एयरपोर्ट ही बांबू का बनाने की बात चल रही है। अब मैं भी नेशनल हाईवे पे जो रोड हमारे बना रहे एक्सप्रेस हाईवे, उसके क्रैश बैरियर के बजाय जूट और नारियल की रस्सी बीच में और बांबू कॉन्क्रीट में फंसा कर उसके क्रैश बैरियर का डिजाइन करने के लिए मैंने IIT को दिया है ताकि हमारे गांधी जी का सूत्र यही था जो दीनदयाल जी का सूत्र था, वी नीड मैक्सिमम प्रोडक्शन, बट प्रोडक्शन दिल्ली में गिलावट ने लॉन्च किया और महीने भर के बाद हमारे पास स्टॉकिंग था। तो आज लोग चाहते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट्स में डिजाइनिंग करते हुए बहुत अच्छा होता है। अभी मैं काफी फैशन डिजाइनर जो है मेरा एक काम करती, इसमें ऋतु बेरी से लेकर बीना रामानी तक सबको बुलाया था। और आज कपड़े में छोटी सी बात होती है और छोटे से डिजाइन से वो एक फैशन बन जाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि हाई ड्रेस से बनाओ, उसका जो स्किल्ड है, उसकी जो हुनर है, जिसके धर्मेंद्र प्रधान जी मंत्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में 4,000 करोड़ की अगरबत्ती की काढ़ी आती है, अगरबत्ती आती थी, हमने पूरी तरह से चाइना से आना बंद करा, तो कम से कम 20 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाली इंडस्ट्री है और पूरे नॉर्थ ईस्ट में अब करीब 10 एक फैक्ट्री शुरू हुई है और जिसमें अनेक महिलाओं को रोजगार मिला। मेरा सरोज जी को इतना ही कहना है कि एक करिए, ऐसे कार्यक्रम में पहले खादी ग्रामोद्योग की और हमारी कितनी योजना है वो योजनाओं के बारे में मैं कोशिश करूंगा कि कोई अच्छी फिल्म तैयार हो जाए। और आज ही मैं 2 घंटे बैठा था, मैं काफ़ी नियम बदल दिए, योजनाओं को इतना लोकाभिमुख कर दिया है और हम लोग पैसा देने के लिए तैयार थे। और ये सरकार की प्राथमिकता है कि आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री जी का सपना है वो ग्रामीण भारत को सशक्त बनाए बिना नहीं होगा, और इसलिए स्वाभाविक रूप से टेक्नोलॉजी क्या होती है ये इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने प्रयोग किया मेरे क्षेत्र में कि हमें हमारे टेक्नोलॉजी का महत्व नहीं है। 1962 में ब्राजील में
हमारे यहाँ साहिवाल गाय जो थी यहाँ की, वो लेकर वो ब्राजील गए और उस गाय के ऊपर उन्होंने एक जनरेशन पैदा किया। और अभी हमने ऐसा किया कि वो जो ब्राजील में हमारी गाय गई थी उसका जो बुल था वो 60 लीटर दूध देने वाली गाय थी, उसके बुल को हमने उसका सीनेस इंडिया में लाकर अभी ये बेटी बचाओ अभियान जो आपका है, वैसे अभी गाय के लिए उसकी जरूरत नहीं, हमने टेक्नोलॉजी हमारे देश में आई है कि 100% गोरी होगी, गोरा नहीं होगा। और जो साहिवाल का जो बुल है, जो देशी गाय का नस्ल है, वो 2 लीटर के गाय को अगर उसका सीनेस दिया तो उससे जो गोरी होगी वो 25 लीटर दूध देने वाली होगी। और एक तरफ 25 लीटर दूध देने वाली गाय एक एक के घर में होगी, अभी गिरिराज जी को मैंने कहा है वो उसकी योजना भी बना है, और हर गाय अगर 20 से 25 लीटर दूध देगी और गोबर को 5 रुपये किलो मिलेगा और गोमूत्र को कम से कम 10 रुपये लीटर मिलेगा, तो एक गाय के पीछे कम से कम 20 से 25 हजार रुपये की कमाई होगी। तो क्यों कोई व्यक्ति दिल्ली मुंबई कलकत्ता चेन्नई आएगा? तो गांव का सशक्तिकरण करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इन कलाओं को बढ़ाना होगा, और ये कलाओं को बढ़ाते हुए जो अच्छे कारीगर हैं उनको प्रोत्साहित करना होगा, और इसके लिए बहुत बड़ा काम करने लायक है और उसमें सरकार की योजनाएं भी है, और उसके कारण आज आपने इन कारीगरों को भी प्रोत्साहित किया। छत्तीसगढ़ विशेष रूप से बहुत अच्छा है, मेटल क्राफ्ट में जो अलग अलग प्रकार के डिजाइन होते हैं बहुत सुंदर है, और अच्छे अच्छे योजना है, बहुत से प्रोडक्ट है। अभी कोई समय इतना नहीं है, कम है समय, तो मैं समय नहीं, मैं खुद ये काम करता हूँ, मंत्री करके नहीं होता, मैं साड़ियाँ बनाने से लेकर साबुन बनाने तक, शक्कर से लेकर, तो अनेक इनिशिएटिव दिया। अभी मैंने मेरे इसमें एक हमारे सारंगी जी को भेंट किया है, ये जो आप पुराने कपड़े जो है इसको उसके बनाकर उसके हमने मैटिंग बनाए, तो मेरे यहाँ 30 महिलाएं ट्रेनिंग चालू है, मेरे जो गांव में दत्तक लिया और अभी तक 350 महिलाएं तैयार हुई और उन्होंने वो ब्लूम डाले हैं और उसको बहुत मार्केट है। मैं यहाँ पूछता हूँ कितने का होगा, तो बोलते 5,000 का, मैंने 400 रुपये का और 100 रुपये मार्जिन 500 में देता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो क्वालिटी की है, उनका मार्केट करने की आवश्यकता है, और इसलिए ये जो आज आपने किया है बहुत बेसिक काम है, और मैं कला भारत को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और निश्चित रूप से हमारे विभाग की ओर से मैं उनको पूरा सहयोग करूँगा, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।